अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आखिरी और फैसला कौन T20 मैच आज खेला गया, जिसमें एक बार फिर हिंदुस्तान ने तबाहकुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम तस नस कर दी और 3 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त हासिल की। सीरीज 3-0 जीत ली, क्लीन स्वीप कर दिया है इंडिया ने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ अपने होम ग्राउंड पर। न्यूजीलैंड को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। सीरीज 3-0 से इंडिया के नाम ज़बरदस्त उमदा तबाहकुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शुबों में ज़बरदस्त खेल पेश किया और न्यूजीलैंड की टीम को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बिल के बटन पर क्लिक करना ना भूलें। वीडियो की जानिब, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आखिरी T20 मैच कलकत्ता क्रिकेट ग्राउंड में आज खेला गया, जिसमें इंडिया ने क्लीन स्वीप कर दिया। 3-0 से सीरीज़ अपने नाम कर दिया और अपनी सरजमीन पे न्यूजीलैंड को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर में पहाड़ खड़ा कर दिया। 184 रन बने, 7 विकेटों के नुकसान पर 185 का बड़ा टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड 185 के सामने इंतहाई कम स्कोर पर ढेर हो गया, 111 पर ढेर हो गए 17.2 ओवर में, और इंडिया ने बड़े मार्जिन 73 रन से कामयाबी हासिल की। इंडिया की जानब से रोहित शर्मा और पाकिस्तान ने दोनों ने जारहाना आगाज़ किया और ग्राउंड के चारों तरफ खूबसूरत शॉट बड़े शॉट के लिए छक्कों और चौकों की बरसात के। रोहित शर्मा ने मुसलसल ज़बरदस्त तीसरे मैच में भी ज़बरदस्त खेल पेश किया। उन्होंने 56 रन 31 बारों का सामना किया, 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से खाने 29 रन बने 21 बालों का सामने के 6 चौके में से यदि बगैर कुछ रन बने आउट हो गए। पेंट ने 4 रन बनाकर आउट हो गए। लैन ने 25 रन बनाए, लेना ने 20 रन बनाए और ऐश्वर्य पटेल ने 2 रन बनाए नेट आउट रहे। पटेल ने ऐशन पटेल ने 18 रन बनाए, चाह ने 21 रन बनाए नेट आउट। इस तरह 184 रन बने 7 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर में और 185 का बड़ा टारगेट दिया न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड की जाने से विकेटर ट्रेंट बोल्ट ने 1 विकेट हासिल की, मीना ने 1 विकेट हासिल की, फ्रंश ने 1 विकेट हासिल की, सटना ने 3 विकेट हासिल की, 4 में 27 रन के 3 विकेट नुमाया रहे और सऊदी ने 4 में 31 हासिल कर 1 विकेट हासिल की। 185 के ताकों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इनिंग का आगाज़ किया। गुप्टेल ने और मिचल ने दोनों जारहाना दर मिचल डेटी आउट कर उन्हें 6 बॉलों पर 5 रन पर 1 चौके की मदद से। चेमन ने बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। फिलहाल बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। सल्फर ने 17 रन बनाए, निशान ने 3 रन बनाए, सटना के कप्तान ने 2 रन बनाए, मिलन ने 7 रन बनाए, सऊदी ने 9 रन की इनिंग के, फंगर ने 14 रन बनाए, ट्रेनवुड ने 2 रन बनाए नेट आउट। इस तरह गुप्टेल ने शानदार निप सेंचुरी जोड़े, उन्हें 51 रन बनाए 36 बारों का सामने किया। 4 चौकों की मदद से उन्होंने 51 रन की इनिंग के शानदार इनिंग्स के लिए, लेकिन इसकी इन गुप्टेल की ये इनिंग मैच विनिंग साबित ना हो सकेगी और पूरी टीम तस नस हो गई 111 रन पर। इंडिया ने बड़े मार्जिन 73 रन से कामयाबी हासिल की। इंडिया की जाने से विकेट टेकर बॉलर रहे, चाह ने 1 विकेट हासिल की। ऐश्वर्य पटेल ने 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट शानदार उमदा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी कर दिया, चाह ने 24 रन देकर 1 विकेट हासिल, लेने 1 विकेट है, पटेल ने 2 विकेट हासिल की। शानदार उमदा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा। इंडिया ने 3 मैच की सीरीज 3-0 से जीत ली। शानदार उमदा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा। वीडियो आपको कैसे लगे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ का आखिरी और